शो करना चाह रहे थे, तो ये क्या कहना चाहेंगे कि स्थानीय विधायक घबरा गए इस वजह से वो श्रोमणी अकाली दल को? ये तो पहले ही बात है कि श्रोमणी अकाली दल ने फैसला किया था हमारे प्रधान साहब की आज्ञा से, मैंने ये अपना आजाद उम्मीदवारों को और एमएलओ को जो समर्थन देने का हमने काम किया। तो बीजेपी एक ऐसे धोखेबाज पार्टी है जिन्होंने हमारे अकाली दल के साथ ही विश्वासघात किया। तो अब जो बात ये चलाई जा रही है, चंद महाराज साहब जहाँ आए वो किसी प्रेम में किसी के घर गए, कोई किसी की पार्टी वर्कर मीटिंग नहीं है, ना ही हमारा कोई वर्कर वहाँ गया है। तो ये बीजेपी वाले ही अलग अपने तरफ से ही ये बयानबाजी करके ये पार्टी गुमराह करें, जो कि उसके लिए फिर आज मुझे द्वारा प्रधान साहब ने भेजा है जहाँ अम्बाले में पहुँच कर कि आप वहाँ जाकर द्वारा मीडिया को और सारे अपने साथियों को समर्थन देने का काम करें। अभी आपने कहा कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, बिल्कुल धोखेबाज पार्टी से पंजाब में अपने आला नेताओं को क्यों नहीं कहते धोखेबाजी पार्टी को वहाँ भी छोड़ें? देखो बहुत पुराना उनका मित्रता चल रही थी, हम तो अपने हरियाणा की बात करेंगे, हमारे से उन्होंने लोकसभा में इन्होंने बोला कि हमें बिना शर्त समर्थन दो और हम आपको विधानसभा में साथ ला के इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने इनको बिना शर्त लोकसभा में समर्थन दिया और बहुत बड़ी लीड से इनको जिताया, और अब जब समय आया है लोकसभा का इलेक्शन लड़ने का, इन्होंने हमें लारा लगाते लगाते एंड में आके तो हमारे साथ धोखा करके बिल्कुल जवाब दे गई। तो फिर तो हम तो अपनी हरियाणा की ही बात कर सकते हैं ना, तो हमने किया, हम अब जो हमारे जो साथी हैं आजाद उम्मीदवार हैं सर अपना निर्मल सिंह जी और चित्रा सरवारा जी हैं, और अनेलो के हमारे अम्बाला में जो कैंडिडेट दो हैं मौलाना से है जगमाल सिंह और नारायणगढ़ से हैं मलाना से दयारण दुखेड़ी है, नारायणगढ़ से जगमाल सिंह जी हैं, और हमारे कैंट से चित्रा सरवारा जी हैं, अम्बाला शहर से निर्मल सिंह जी हैं, और दिलबाग सिंह जी हैं जमुनानगर से। तो हमने सारे जो कहीं भी अनेलो का जो कैंडिडेट जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारा सारा समर्थन है, और जहाँ हमारे जैसे कि अपना गुल्ला चीका में रतिया में और कालिया वाली जो अनेलो हमारा साथ वहाँ हर तरह का दे रही है, तो हमारा ये समर्थन चंद रहा कर। तो हम बीजेपी को सबक लाएंगे, ये 75 पार करने की बात कर रहे थे, इनको हम 15 बार रोकने का काम करेंगे। अकाली दल के कुछ लीडर आपके अम्बाला के जो हैं लोकल, वो भी विधायक की गोद में बैठे हैं, उनके बारे में क्या एक्शन लेंगे आप? नहीं, ऐसा तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ है, जो पार्टी कोई आगे हमारे निगाह में आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। सर अम्बाला कैंट और अम्बाला शहर में आपके वर्कर क्या डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी तक नहीं नजर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। कितने कुछ बूथों पे आपका योगदान रहेगा? देखो ये तो यहाँ हमारे इकाई ही बता सकते हैं, मुझे इतना नहीं नॉलेज है भी कितना है। टोटल बूथों पर रहेगा, हर बंदा वर्क कर रहा है, हर आदमी कर रहा है, हमारा छोटे वर्कर से लेके सारे अहदेदार, चाहे वो स्टेट का अहदेदार है, चाहे ऑल इंडिया का अहदेदार है, चाहे वो जिले का डिस्ट्रिक्ट का चाहे हल्के का, हर आदमी वर्क कर रहा है, पूरा जोर से तन मन से वर्क कर रहा, और चौधरी साहब के साथ लग रहा, चित्रा सरवारा के साथ लग रहा, उसके लग रहा है अपने दुखेड़ी के साथ लग रहा है, जगमाल साहब के साथ लग रहा है, चार अम्बाड़े जिले का तो मेरे को पता है, सारे चार के चारों के चार कर रहे हैं, इनको हल्कों में काम कर रहे हैं, कल सारे इकट्ठे रहे हम जैसे अपने सारे सीनियर बैठ के बात करेंगे, जहाँ पे जरूरत होगी जाने की तो जरूर जाएंगे, हमारे लीडर कोशिश करेंगे, जहाँ कोई जरूरत है तो वहाँ जरूर जाएंगे, अगर वहाँ बाई इलेक्शन ना होता तो सारा पंजाब ही आता। चौधरी साहब, अगर यहाँ से आप विधायक बनते हैं और जैसे यहाँ के पूर्व विधायक ने जो घोटाले किए हैं, ये पूरे शहर को पता है, हर नागरिक को पता है, तो ये माना जा सकता है कि अगर आप पावर में आते हैं तो इस बारे में जांच करवाएंगे? अगर लोग शिकायत करें तो भी जाँच होगी। जैसे कि चौधरी साहब कांग्रेस से रहते हैं,
ये जीतने के बाद दोबारा कांग्रेस में जाएंगे तब अकाली दल का? देखो, हमने आजाद उम्मीदवार का समर्थन किया है, ना कि किसी अलग से कांग्रेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमें अब आज के दिन हमें ये आजाद उम्मीदवार दिखे हैं और आजाद उम्मीदवार के हम इनका समर्थन करें। कांग्रेस छोड़ के ऐसे में तो रिकॉर्ड नहीं है कि रोज पार्टी बनती है। मैं तो जिस दिन से पार्टी में था 29 ईयर से आज तक रहा हूँ। अब इसके खिलाफ हमने विद्रोह कर दिया तो आज हम पार्टी छोड़ के आए हैं। मैं इस्तीफा दे के आया हूँ। यानी अब दोबारा जो है कांग्रेस में नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, आज़ाद उम्मीदवार का ये होता है कि कोई भी हो जो कोई फैसला करता है तो पहले पंचायत करता है। हम यहाँ ऐसे अकेला फैसला नहीं लेते, आवाज़ होगी और उनके समय के अनुसार होगा। अभी क्या कह सकते हैं, ये कि मेरा अकेले का फैसला नहीं होगा और क्यों नहीं है। मैं इससे जो है जो हमारा मेरे भाइयों ने इमदाद कर रखी है तो मैं हमें अपना धर्म निभाऊंगे। इतनी जल्दी हम दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं और ना ही निर्मल सिंह के स्तर का रिकॉर्ड है कि आज किसी साथ मिले ले कल उसी के मिला। जितनी मेरी कमिटमेंट है भाइयों के साथ मैं पूरा करूँगा। वैसे भी हम आज तक अकेले के लिए दल बिशक्कों अलग अलग यहाँ बहुत इकट्ठे हैं। हमारा समाज नहीं बटा है, भाईचारा हमारा बिल्कुल कायम रहा है। आज एक स्टेटमेंट कल के बारे में जो कल लिखा गया उसके बारे में कैसे फेसबुक पे, जैसे कि हसीम गोल दिया था भाई जो समर्थन है चंदू माजा जी ने वो बीजेपी को दिया, उसके बारे में आप आज लगभग उसी बारे में ही आपने रखा भाई हमने समर्थन उनको दिया उसके बारे में एक बाइट नहीं। आप कैसे कह सकते हैं चंदू माजरा हमने कोई अपने बयानबाजी नहीं आई, कोई हमारे वर्कर नहीं उन्होंने इकट्ठे किए। वो तो एक मिलने के लिए अपने वो साथी पुराने कोई मित्रता होगी सोशल फंक्शन में उसमें आए हैं, कोई मतलब समर्थन देने की तो बात ही नहीं। हम कह सकते वो तो हमारे सीनियर आदमी हैं, तो ये हमारा अकाली दल को चलाने वाले आदमी हैं, तो वो ऐसे कुछ गलती थोड़ी कर सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫੇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੁਣੀ ਹੈ? बोले सो निहाल बब्बू जी एक मिनट।